चल ठीक है हेलो फ्रेंड्स कैसा सब लोग तो फ्रेंड्स सॉरी थो, uh, थोड़ा लेट हो गया असल में एक टेक्निकल दिक्कत आ गई थी पता नहीं क्या हो गया था स्मार्ट बोर्ड में तो थोड़े पंद्रह मिनट उसी में, में वेस्ट हो गए तो चलिए इस सब चीजों को छोड़कर करते हैं अपने टॉपिक की स्टार्टिंग और जो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको टॉपिक लेने वाला हूँ ये टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है टॉपिक नंबर अट्ठारह आज इससे पहले सत्रह टॉपिक मैं आप लोगों के लिए करा चुका हूँ जिसने नहीं देखे तो जाके आप लोग मेरी प्ले में जाके देख सकते हो वरना यूट्यूब पर आप लोग सर्च मार लिया करो जितने भी इंपोर्टेंट टॉपिक जहां से आपके सी के एग्जाम में क्वेश्चन आने आने होते हैं उन उन टॉपिकों को मैं आपको यूट्यूब पर करा भी रहा हूं जिस टॉपिक की मैं बात कर रहा हूं उस टॉपिक का नाम आपका अधिगम यानी कि लर्निंग देखिए लर्निंग एक ऐसा चैप्टर है कम से कम आपको दो तीन नंबर आपके एग्जाम में देकर चला जाता है बट इसके ऊपर बच्चों का ध्यान नहीं जाता बच्चों का ध्यान किसके ऊपर जाता है मोटे मोटे चैप्टर के ऊपर भाई प्याजे पढ़ लिया कोलवर पढ़, पढ़ लिया इंटेलिजेंस पढ़ लिया या फिर आवर्ड गार्डने थोड़ी पढ़ लिया हेरिडिटी एनवायरमेंट वगैरह इनके ऊपर बच्चों का ध्यान जाता है लेकिन यहां से क्वेश्चन दो तीन नंबर के जरूर आते हैं आपके एग्जाम के अंदर और बड़े छिपे हुए क्वेश्चन होते हैं तो आज की वीडियो देखने के बाद जो आपके अधिगम से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं वो आज आपके कवर हो जाएंगे ठीक है तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके अधिगम की जी मैं ठीक हूँ आयोप आप लोग सब ठीक होंगे थोड़ा ये इंटरनेट की दिक्कत हो गई थी ठीक है जो लोग नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है और वीडियो को लाइक एंड शेयर बिना कहे आप लोग कर दिया करो तो चलिए मैं स्टार्टिंग कर लेता हूँ चैप्टर की अधिगम की जी जल्दी से आप लोग सभी आ जाइए आप भाई आप एलिजिबल हो ठीक है अब चैप्टर की स्टार्ट करते हैं अधिगम की यानी लर्निंग की अब चैप्टर के ऊपर ध्यान लगाना आपको पंद्रह मिनट वेस्ट हो गई आज हमारी चलिए अब देखिए जिस चैप्टर के बारे में आज हम पढ़ रहे हैं इसका नाम है अधिगम जिसको इंग्लिश में कहते हैं लर्निंग या जिसको आप लोग कह सकते हो सीखना आज हम लोग पढ़ेंगे कि सीखा कैसे जाता है सीखने के बारे में हम सीखेंगे आज की वीडियो के अंदर ठीक है बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर है और बड़ा इजी चैप्टर आपको देखो मजे मजे में समझ में आ जाएगा यह वाला चैप्टर अब देखो सीखा कैसे जाता है सीखा क्या सीखना क्या होता है लर्निंग क्या होता है लर्निंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर होते हैं उसके अलावा आपके लर्निंग के जो आपका ट्रांसफर होता है वो कौन कौन से होते हैं उनके बारे में एक एक करके आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इन क्वेश्चन इस टॉपिक को करने के बाद आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाना और फिर मुझे बताना कि कोई क्वेश्चन ऐसा बचा है जो आज की वीडियो को देखने बाद आप लोग ना सोल्व कर पाओ कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा ठीक है तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जब कोई भी व्यक्ति किसी भी परिस्थितियों परिवर्तन करता है।, उसके जो बिहेवियर में चेंज होता है उसी को कहा जाता है आपका लर्निंग या उसी को कहा जाता है आपका सीखना कहा जाता है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि परिस्थितियों के अनुसार अपने व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन इस वर्ड को जरूर लिखना अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन ही क्या कहलाता है आपका लर्निंग यानी कि आपका अधिगम कहलाता है ये आपका सीबीएसई के अंदर लिखा हुआ था ये दो वर्ड बड़े महत्वपूर्ण है ठीक है सेम एज इट इज आ जा जाता है कई बार तो कई टीचिंग एग्जाम के अंदर अब देखिए आपके व्यवहार में आप लोग यहां पर पढ़ रहे हो जैसे सीटेट की तैयारी कर रहे हो तो आप लोग यहां पर सी डी पढ़ रहे हो बाल विकास पढ़ रहे हो तो पढ़ने के बाद आपके व्यवहार में तो परिवर्तन जरूर आएगा भाई जब आप लोग सी डी भी पढ़ोगे पैडगोजी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे है बच्चों को पनिशमेंट नहीं देनी बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना बच्चों को ज्यादा ज्यादा अपॉर्चुनिटी देनी है तो ये सारी चीज आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो तो यहाँ पर क्या काम कर रहे हो आप लोग सीख रहे हो और इस सीखने से क्या होगा आपके व्यवहार में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा तो यही होता है आपका लर्निंग यानी यही होता है आपका अधिगम ठीक है तो ये बेसिकली एक डेफिनेशन थी सबसे महत्वपूर्ण डेफिनेशन इंपोर्टेंट लगा लेना सबसे ज्यादा डेफिनेशन जो आज तक एग्जाम में आई है टीचिंग एग्जाम में यही आई है कि व्यवहार में अपेक्षाकृत जो स्थायी परिवर्तन होता है उसी को लर्निंग यानी उसी को अधिगम के नाम से जाना जाता है ठीक अब अब देखिए बात करते हैं लर्निंग के प्रोसेस प्रोसेस की कि जो अधिगम का प्रोसेस होता है सीखने का प्रोसेस है वो कैसे कैसे होता है एक एक करके उसके ऊपर बात करते हैं भाई मैं कहीं नहीं चला गया था पंद्रह मिनट के लिए मेरे इंटरनेट में दिक्कत आ गई थी ठीक है चलिए अब ध्यान लगाइए यहां पर लर्निंग प्रोसेस कैसे होता है पहला पॉइंट जितने भी पॉइंट है एक भी पॉइंट को बिल्कुल मत छोड़ना सारे के सारे वो पॉइंट है जो मैंने सभी टीचिंग एग्जाम से कलेक्ट करके लिखे हुए हैं और जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा ना इन्हीं की ना कि, ए, किसी लाइन में से आपकी शिफ्ट में देखने को मिलेगा तो इसलिए एक एक पॉइंट बड़ा मेरी मेहनत से मैंने लिखा हुआ है छाट छाट कर किसी एक पॉइंट को मत छोड़ना देखिए पहला पॉइंट इसमें दिया है कि जो अधिगम होता है लर्निंग होती है वो जन्म से लेकर मृत्यु तक चलने वाली एक प्रक्रिया है बिल्कुल सही बात है भाई जब हम पैदा होते हैं पैदा होने के बाद हमने जब बड़े हुए फिर सीखा सीखे बाद आप लोग बड़े हो गए अब भी सीख रहे हैं जब बूढ़े हो जाएंगे तब भी सीखेंगे तो जब तक मृत्यु नहीं होती तब तक आदमी कुछ ना कुछ चीजें सीखता रहता है तो लर्निंग कैसा प्रोसेस है एक कंटिन्यूसली होने वाला प्रोसेस है यानी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो जन्म से लेकर कब तक चलती है मृत्यु तक चलती है कौन चलती है लर्निंग चलती है ठीक है उसके अलावा जो लर्निंग होता है वो मुख्य रूप से एक सोशल प्रोसेस है यानी एक सामाजिक प्रक्रिया है अब इसको सामाजिक प्रक्रिया क्यों माना गया है? अब देखिए समाज के सामाजिक प्रक्रिया के अंदर कौन कौन आ जाते हैं समाज के अंदर कौन कौन आता है हमारी फैमिली आ जाती है हमारा परिवार आ गया फैमिली के साथ साथ में हमारा स्कूल आ गया हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट आ गया ये सभी हमारे समाज के अंदर आ जाते हैं तो हमने जितनी चीजें सीखी अपने समाज से सीखी है ना मान लो सबसे पहले हमने चीजें कहां से सीखी अपनी फैमिली से सीखी इसलिए सोशलाइजेशन की प्राइमरी एजेंसी कहा जाता है फैमिली को जैसे हमने फैमिली से अपनी मातृभाषा सीखी अपने फैमिली से अपने कल्चर को सीखा व्यवहार को सीखा तो सबसे पहले बच्चा जो चीजें सीखता है वो अपनी फैमिली से सीखता है फैमिली के बाद स्कूल से सीखेगा टीचर से सीखेगा मीडिया से सीखेगा धार्मिक स्थल से सीखेगा तो ये सभी किसके पार्ट है ये सभी आपके समाज के यानी सोसाइटी के पार्ट है इसलिए कहा गया जो लर्निंग होती है अधिगम होता है वो आपका क्या होता है एक सामाजिक प्रक्रिया है आप लोग क्या काम कर रहे हो आप लोग किससे मुझसे और मैं किसका पार्ट हूं समाज का तो यहां पर क्या हो रहा है लर्निंग ऐसा पार्ट है आपका सोशल प्रोसेस है यानि एक सामाजिक प्रक्रिया है बच्चा समाज से सीखता है दोनों पॉइंट आपके क्लियर हुए अगला पॉइंट देखते हैं लर्निंग अनुकूलन कि एडेप्टेशन की प्रक्रिया Adaptation क्या होता है वातावरण के अनुसार जब खुद को ढाला जाता है वो आपका होता है अब वातावरण इस टाइम पर क्या बनना है वातावरण इस टाइम पर बनना है सीटेट का कि सीटेट के एग्जाम को कैसे अच्छे नंबर से पास किया जाए तो आप लोग यहां पर क्या काम कर रहे हो सी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी कर रहे हो यानी वातावरण को अपने वातावरण के अनुसार अपने आपको ढाल रहे हो तो यहां पर जो सीखना होगा जो आप लोग क्लास ले रहे हो जो आप लोग नोट्स में से पढ़ते हो सीखते हो तैयारी तो करते हो तो सीखने से क्या होगा आप एडेप्टेशन की प्रक्रिया में शामिल हो जाओगे यानी वातावरण के अनुसार खुद को आप लोग ढाल लोगे इजिली तरीके से अगर आप लोग यहां पर सीखोगे सीखने के बाद ही तभी तो सी का पेपर को उड़ाओगे आप लोग जाकर ठीक है तो एडेप्टेशन की एक प्रक्रिया होती है जो आपका लर्निंग होती है उसके अलावा सीखना सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल है कोई भी आदमी कहीं पर भी कुछ भी चीज सीख सकता है आप लोग जैसे भी यहाँ पर सोशल मीडिया पर सीख रहे हो आप लोग अपने घर में बैठकर सीख सकते हो किसी दूसरी जगह पर जाकर सीख सकते हो तो इसलिए लर्निंग को सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल कहा गया है कि कोई भी आदमी कहीं पर भी कुछ भी चीज सीख सकता है इसलिए लर्निंग का प्रोसेस कहता है कैसा एक यूनिवर्सल है यानी सार्वभौमिक प्रक्रिया है ठीक ये सभी आपके सीटेट के एग्जाम में पूछे गए हैं अगला है सीखना एक मेंटल प्रोसेस यानी मानसिक प्रक्रिया है हम लोग कोई भी सीखते हैं तो किससे सीखते हैं अपने दिमाग से ठीक है तो कैसा प्रोसेस है? एक प्रोसेस है 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 एक एक मेंटली ठीक या तक क्लियर हुआ हुआ आगे देखते अगला पॉइंट दिया इसमें कि अधिगम जटिल प्रक्रिया यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अब देखो सीखना एक जटिल प्रक्रिया क्यों है आप लोग कोई भी चीज सीखते हो क्या उसको इजीली सीख पाओगे मान लीजिए आप यहां पर आप सीडीपी सीख रहे हो या आपको कुछ और दूसरी लैंग्वेज सीखनी हो या एक्स वाई जेड आपको कोई गाड़ी चलाना सीखना कुछ भी अगर आप लोगों को सीखना है क्या आप उसको इजिली सीख जाते हो नहीं इजिली नहीं सीखते कुछ ना कुछ आपको उसमें प्रयत्न यानी ट्राई करना पड़ता है आपसे गलतियां भी होती है फिर आप रिपीट करते हो उसको ठीक है तो इसलिए सीखने को एक कॉम्प्लेक्स यानी कि एक जटिल प्रक्रिया इसको माना गया है आसानी से कोई आदमी किसी भी चीज को नहीं सीख सकता ठीक है वरना तो वो बात ही क्या करनी फिर उसकी ठीक जिसमें क्या होता है जो लर्नर्स होता है जो अधिगम करता होता है जो सीखने वाले होते हैं जैसे आप लोग तो उनकी एक्टिव एंगेजमेंट यानी कि उनका सक्रिय संलग्न ताकि जरूरत होती है आप लोग जो भी चीज सीख रहे हो तो यहां पर आपको एक्टिव एंगेजमेंट बनना पड़ेगा यह नहीं सीखने की जगह आप लोग यहां यहां पर पर वीडियो देखने के बजाय कमेंट बॉक्स में अपने कुछ मैसेज लिख रहे हो और रोमा जी और सुधीर जी क्या हाल है आपके ठीक तो आपको एंगेजमेंट करना पड़ेगा एक्टिव एंगेजमेंट करना पड़ेगा अगर आपको कोई चीज सीखनी है तो तभी आप लोग चीजों को सीख पाओगे तो ठीक है यहां तक आप लोग समझे सभी वो थी आपकी लर्निंग की प्रोसेस है यानी सीखने का प्रोसेस है कि बच्चा या आदमी कोई भी किस तरीके से चीजें सीखता है और सभी आपके एग्जाम में पूछी गई है अब एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोसेस है जो आपके एग्जाम में आने ही आना होता है ठीक है वो प्रोसेस जुड़ा होता है आपके एरर से यानी जो गलतियां होती है त्रुटियां होती है ठीक अब इसको ध्यान से समझना अब देखिए जो लर्निंग का प्रोसेस होता है उसमें जो एरर्स होती है यानी जो त्रुटियां होती है जो मिस्टेक होती है जो गलती होती है और जो मिसकंसेप्शन यानी जो भ्रांतियां होती है एक तो ये बड़ा इंपोर्टेंट होती है और दूसरा ये रिलीवेंट होती है ठीक है इनसे जुड़ी हुई होती है अब आप लोग एक बात सिंपल सी बताइए अब यहाँ पर लर्निंग का प्रोसेस चल रहा है मान लीजिए आप लोग मुझसे सीख रहे हो या कोई छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है तो सीखने में वो गलतियां तो जरूर करेगा हरालत हरा में एरर्स और मिस्टेक जरूर करेगा ऐसा कभी हो नहीं सकता क्या आप में से कोई ऐसा है जो सारी चीज को बिना गलती करे सीख गया नहीं सीख गया कुछ ना कुछ चाहे थोड़ी बड़ी गलती जरूर हुई है उससे ठीक है तो इसलिए इनको बड़ा ही इंपोर्टेंट माना गया जो बच्चे की जो एरर्स होती है ठीक है इनको क्या माना गया है बड़ा ही इंपोर्टेंट यानी महत्वपूर्ण माना गया है और जो बच्चे के मिसकंसेप्शन यानी जो भ्रांतियां होती है वो भी रिलेवेंट होती है इससे जुड़ी हुई होती है महत्वपूर्ण होती है अब देखो छोटा बच्चा पढ़ता है उसके माइंड में भी बहुत मिसकनसेप्शन होते हैं आप लोग बड़े हो गए आपके माइंड में है क्या का एग्जाम में कैसे एक करने के लिए किस तरीके से पढ़ना पड़ेगा वो तो मेरा दोस्त कह रहा है ये पढ़नी पड़ेगी चाचा कह रहे वाला पढ़ना पड़ेगा पता नहीं कितनी चीजों का मिसकसेप्शन आपके माइंड के अंदर होता है तो आपको बात समझनी है जो बच्चा गलतियां करता है मिस्टेक करता है मिसकनसेप्शन उसके माइंड के अंदर होता है ये सभी आपके टीचिंग लर्निंग का एक प्रोसेस होता है भाग होता है जब भी आदमी कोई भी आदमी कोई चीज सीखेगा गलती भी करेगा उसके मन में भ्रांतिया भी आएगी तो यह तो आना स्वाभाविक है इसलिए इसको टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का एक बड़ा महत्वपूर्ण भाग माना गया है जो आपकी मिस्टेक होती है ठीक है थीके? इसमें क्या होता है जो लर्नर्स होता है यानी अधिगम करता सीखने वाला होता है उसके चिंतन प्रक्रिया का यानी कि उसके थॉट प्रोसेस को समझा जा सकता है मान लीजिए बच्चों को आपने कुछ क्वेश्चन दिया और बच्चे ने उस क्वेश्चन के अंदर कुछ गलती कर दी यानी कि कुछ मिस्टेक कर दी तो एज ए टीचर आप क्या काम करोगे अच्छा बच्चे ने यहां पर गलतियां करी है अच्छा बा, बच्चा बार बार इस क्वेश्चन में यहां पर आकर गलतियां कर रहा है तो आपको पता लग जाए कि बच्चा एग्जैक्ट किस पॉइंट पर आकर गलतियां कर रहा है यानी उसके चिंतन का प्रोसेस उसको समझ में आ जाएगा कि बच्चा किस तरीके से सोच रहा है वो इस तरीके से गलतियां कर रहा है फिर टीचर क्या काम करेगा उसको डायग्नोज करने के बाद निदान करने के बाद फिर उसको उपचारात्मक शिक्षण दे देगा ठीक है इसलिए इसको बड़ा महत्वपूर्ण माना गया है बच्चे की गलतियां करो हमेशा पॉजिटिव होती है इसको गलत मत ले लेना कि बच्चे ने गलतियां कर दी जैसे हम लोग गलतियां करते तो क्या होता था एक ही काम होता था ठीक है हाथ खड़े या डंडा से तोड़ तोड़ाई ठीक जबकि यह बात समझनी चाहिए कि अगर कोई भी आदमी कोई चीज सीख रहा है तो गलती होना बिल्कुल उसमें स्वाभाविक है ठीक यहां तक आप लोग समझ गए आगे देखते हैं अब एरर से जुड़े हुई और पॉइंट क्या लिखा लिखा हुआ हुआ है है आपका इसमें लिखा हुआ है कि बच्चे द्वारा होने वाली जो एरर्स होती है वो बच्चों और व्यस्क जो अडल्ट होते हैं उनके चिंतन में गुणात्मक यानी क्वालिटेटिव डिफरेंस को भी बताता है अब देखिए एक तो बच्चा गलतियां करता है एक बड़े लोग गलतियां करते हैं जैसे हम और आप लोग हो गए गलतियां हर कोई करेगा सीखने में लेकिन गलती करने में क्वालिटेटिव डिफरेंस देखने को मिलेगा एक छोटे बच्चे की गलतियां बहुत हल्के लेवल की होगी और बड़ा जो गलती करेगा वो एक अलग लेवल होगा अगर आपने जीन प्याजे की थ्योरी पढ़ी हो तो जीन प्याजे की थ्योरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि जीन प्याजे ने कहा है कि जो बच्चों का मानसिक क्षमता होती है जो मानसिक विकास होता है वो क्वांटिटी में तो सेम होता है मात्रात्मक में तो सेम होता है क्या होता है क्वांटिटी में तो सेम होता है लेकिन क्या होता है क्वालिटी में वो एडल्ट से अलग होता है यानी बच्चों का और वयस्कों का जो चिंतन होता है वो क्वांटिटी में तो सेम रहेगा इतना ही दिमाग बच्चे में रहेगा इतना ही दिमाग मुझ में इतना ही आप में क्वांटिटी में ठीक है लेकिन अगर बात करें क्वालिटेटिव में तो क्वालिटेटिव में बिल्कुल अलग हो जाएगा क्वालिटी अलग देखने मिलेगी हमारा सोचने का तरीका कुछ अलग होगा बच्चे का सोचने का तरीका कुछ अलग होगा ठीक है ये वाली बात आपके जीन प्याजे ने स्टेटमेंट में गई थी जो आपके सी के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है तो आप लोग समझ गए कि जो बच्चों और व्यस्के उनके चिंतन में गुणात्मक भिन्नता को भी बताता कौन बताता है तो बच्चे की गलतियां होती है कि छोटा बच्चा ऐसे गलतियां कर रहा है और बड़ा बच्चा इस तरीके से गलतियां कर रहा है आइयो आप लोग यहां तक समझ गए होंगे तो ये होता है आपका लर्निंग और ये होता है आपका लर्निंग प्रोसेस सीखने की जो प्रक्रिया होती है ठीक यहां तक आप लोग समझ गए अब हम लोग पढ़ेंगे लर्निंग को प्रभावित करने वाले कारक अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक आप लोग लो यहां पर कोई भी चीज सीख रहे हो तो सीखने में कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को प्रभावित करते हैं कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिससे आपकी लर्निंग की स्पीड तेज हो जाएगी कुछ फैक्टर ऐसे होंगे जिससे आपकी लर्निंग की स्पीड कम हो जाएगी तो उन सभी फैक्टर्स के बारे में हमको यहां से पढ़ना है और ध्यान से देखना ठीक और देखिये जितने भी फैक्टर आपको बता रहा हूं इनको देखने बाद आपको आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ भी मैंने कहा ना आज की वीडियो के अधिगम को देखने बाद आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है सिर्फ प्रीवेश के क्वेश्चन सोल्व करना और आपके सारे आंसर सही निकलेंगे ठीक है क्योंकि मैंने एक दिन की मेहनत करके लगभग सभी को छानबीन करके इकट्ठा कर लिया है अब देखिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे जो स्टूडेंट से रिलेटेड आपके फैक्टर होते हैं कारक होते हैं यानी जो बच्चा होता है उससे संबंधित कौन कौन से कारक होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे हालांकि पांच साल के नहीं हुए लेकिन एल में जाना शुरू कर दिया अब ये स्कूल में जाकर सीख रहे हैं मान लो थोड़ा बहुत कुछ तो सीखेंगे अभी तो इनके सीखने में कौन कौन से फैक्टर जिम्मेदार होते हैं जो इनको जो सीखने को कोई तेज कर देता है कोई कम कर देता है ठीक है चलिए एक एक करके बात करते हैं ठीक है और बताना इनकी दोनों की फोटो कैसी लग रही है ठीक है तो ऐसा लग रही है जैसे लड़का हो देखिए पहला पढ़ते हैं आपका स्टूडेंट से रिलेटेड पहला है फिजिकली डेवलपमेंट अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ है तो उसकी लर्निंग की स्पीड बढ़ जाएगी अगर कोई बच्चा शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो उसकी सीखने की स्पीड भी कम हो जाएगी इसलिए गवर्नमेंट ने फिजिकल डेवलपमेंट के लिए शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मिड डे मील की योजना चलाई थी आपकी ठीक है नाइनटीन में लेकिन उसका नया नाम अब क्या काम कर दिया पीएम पोषण रख पीएम पोषण योजना रख दिया ठीक है पीएम पोषण योजना रख दिया ताकि बच्चों को स्कूल में एक क्वालिटेटिव एक गुणात्मक एक खाना ऐसा दिया जाए जिससे बच्चे का शारीरिक विकास हो सके ठीक है तो अगर बच्चे का आप लोग समझ गए अगर शारीरिक विकास बच्चे का अच्छा होगा तो सीखने की स्पीड ज्यादा होगी अगर कम होगा तो सीखने की स्पीड भी कम होगी ठीक है तो पहला आपका फिजिकल डेवलपमेंट हो गया दूसरा बात करते हैं मेंटली डेवलपमेंट अगर कोई बच्चा मा, मानसिक रूप से स्वस्थ है तो वो चीजें जल्दी सीख जाएगा और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो चीजें लेट सीखेगा ठीक है इसलिए मेंटली डेवलपमेंट भी इस पर बिल्कुल इफेक्ट करता है सीखने पर और देखें फिजिकल और डेवलपमेंट के अंदर मान लीजिए कोई बच्चा किसी डिसऑर्डर से ग्रसित है ठीक है अगर किसी भी डिसऑर्डर से बच्चा ग्रसित है तो उसकी सीखने की स्पीड कैसी हो जाएगी कम हो जाएगी ठीक है मान लीजिए कोई बच्चा सही से देख नहीं पाता कोई बच्चा सही से चल नहीं पाता तो जो दूसरे सामान्य बच्चे हैं कहीं ना कहीं उसको उनके साथ बैलेंस बनाने में दिक्कत आएगी वो अपनी स्पीड से सीखेंगे और जो आपका डिसेबल बच्चा होगा वो कम स्पीड से सीखेगा ठीक है तो आपके दोनों के दोनों डेवलपमेंट बिल्कुल प्रभावित करते हैं किसको अधिगम को यानी लर्निंग को उसके अलावा तीसरा है इंटरेस्ट सबसे महत्वपूर्ण चीज अगर बच्चे का इंटरेस्ट ही नहीं होगा पढ़ने का तो सीखना गया भाड़ में आप लोग भी यहां पर इसलिए आ रहे हो आपका इंटरेस्ट नहीं है बेसिकली मैं आपको सही बात बताऊं कि आप लोग यहाँ पर पढ़ने आ रहे हो या सिर्फ मुझे देखने आप लोग आते हो आपका इंटरेस्ट पता है किस चीज में बस एक बार सी का एग्जाम पास के, पास करके जैसे तैसे मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए इस चीज में आपका इंटरेस्ट है तभी तो आप लोग यहाँ पर पढ़ रहे हो वरना कोई आप में से ऐसा है जो मुझे देखने के लिए यहाँ पर आता है ठीक है कोई नहीं होगा ऐसा ठीक तो सबसे पहली चीज सबसे मेन चीज है इंटरेस्ट अगर किसी चीज में सीखने के लिए इंटरेस्ट होगा चाहे पढ़ाई हो गाड़ी चलाना हो कोई भी काम हो तो आप लोग उस चीज को जल्दी सीख जाता है ठीक है अगला देखते हैं अगला है आपका इंटेलिजेंस लेवल या फिर कह सकते हैं मेंटल एबिलिटी अब देखिए किसी का इंटेलिजेंस लेवल अगर लो है तो स्पीड उसकी सीखने की कम होगी एवरेज है तो एवरेज तरीके से सीखेगा हाई है तो बड़ी अच्छी स्पीड से सीखेगा तो इंटेलिजेंस लेवल कैसा होना चाहिए इंटेलिजेंस लेवल के अकॉर्डिंग ही एक करिकुलम का निर्माण भी होना चाहिए यह बात ध्यान रखनी आपको अगर आप अगर बच्चों को आपको कोई चीज सिखानी है ठीक है अगला है मोटिवेशन लेवल बड़ा महत्वपूर्ण आपका सीटेट में एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है अगर कोई बच्चा कोई चीज सीख रहा है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे जरूर मोटिवेशन देखने को मिलेगा जैसा आपका मोटिवेशन क्या है गवर्नमेंट जॉब मिल जाए बस एक बार ठीक है और किसी का कुछ मोट, कुछ और मोटिवेशन होगा लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है अगर आपको मोटिवेटेड होना है तो यहां पर इंटरनली रूप से आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा ठीक है यानी कि आंतरिक रूप से आपको अभिप्रेरित होना पड़ेगा ना कि बाह्य रूप से ना कि बाह्य रूप से यानी कि एक्सटर्नल रूप से ठीक अब सी के एग्जाम में यही क्वेश्चन आता है मोटिवेशन से जो इसमें आता है लर्निंग में सबसे ज्यादा कि बच्चा अगर कोई चीज सीख रहा है या किसी चीज में निपुण हो रहा है तो किस तरीके से मोटिवेटेड है यानी अभिपेरित है तो वो इंटरनली रूप से अभिप्रेरित है तभी चीजों को जल्दी सीख पाएगा जब भी चीजों में निपुण हो पाएगा आप लोग मोस्टली जितने बच्चों जितने वीडियो देख रहे हो शायद ही दो चार परसेंट कुछ हो वरना ज्यादातर इंटरनली रूप से मोटिवेटेड हो कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब लेनी है हमको अपनी जिंदगी सवार सवारनी है हमें माँ बाप का नाम रोशन करना सोसाइटी में नाम रोशन करना है ठीक है तो ज्यादातर इंटरनली हो एक्सटर्नली नहीं होगा कोई भी कि यार मुझे तो इसलिए पास होना है ताकि मेरी शादी हो जाए मुझे तो इसलिए पास होना है ताकि कोई लड़का या लड़की मिल जाए मुझे इसलिए पास होना है ताकि मेरे पापा मुझे बाइक या

अब पॉजिटिव इमोशंस क्या होते हैं पॉजिटिव इमोशंस वो इमोशंस होते हैं जो हमारी सीखने की स्पीड को तेज कर देते हैं और नेगेटिव वाले क्या काम करते हैं उसको कम कर देते हैं अब मान लीजिए हमें कोई होप है यानी कि अगर हमें कोई आशा है कि यार हमको गवर्नमेंट जॉब जरूर मिल जाएगी अगर हम इस तरीके से सचिन सर के बताए तरीके पर चलते रहे अगर आपको उम्मीद है तो आप लोग चीजें जल्दी सीख जाओगे यहां पर अगर आपको खुशी है आप लोग आप लोगों का मन जो है खुश है क्या रात हो अच्छे तरीके से पढ़ भी सकता हूं मेरे ऊपर किसी तरीके का डिप्रेशन नहीं है तो आप चीजों को जल्दी तरीके से सीख जाओगे अगर आप लोगों को अफेक्शन है यानी कि स्नेह है लगाव है तो आप चीजों को जल्दी तरीके से सीख जाओगे तो ये सभी कुछ आपके कुछ पॉजिटिव इमोशंस होते हैं जो आपकी सीखने की स्पीड को आपके तेज करते हैं ठीक और उसके अलावा अगर मैं बात करूं नेगेटिव इमोशन्स की तो नेगेटिव इमोशंस में मान लीजिए आपको किसी चीज का डर है कि भाई अगर पेपर पास नहीं हुआ तो पापा ने तोड़ देनी है मेरी कमर को अच्छी तरीके से ठीक है या मेरी तो बेजती हो जाएगी बढ़िया तरीके से तो सीखने पर बिल्कुल इसका फर्क पड़ेगा ठीक उसके अलावा अगर मान लो आपको एंजाइटी है आपको चिंता है यार कैसे हो जाएगा अगर पेपर पास नहीं हुआ मेरी जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी कैसा मेरा फ्यूचर बनेगा तो इसका फर्क बिल्कुल आपके सीखने पर पड़ेगा और बोरियत अगर आपको अगर आप लोग बोर बोर होकर पढ़ रहे हो या आपके अंदर कुछ ऐसा उत्साह नहीं है पढ़ने का तो आपकी सीखने की स्पीड भी आपकी कम रह जाएगी तो फ्रेंड्स ये आपके पॉजिटिव और नेगेटिव मोशन है इन छह के छह पर नजर डाल लेना मैंने सिर्फ छह लिए उसके अलावा भी बहुत थे, क्योंकि ज्यादातर टीचिंग एग्जाम में सीट में यही आपके पूछे जाते हैं ठीक है थीके? ये भी आपके क्या काम करते हैं आपके अधिगम को प्रभावित करते हैं अगला पॉइंट आपका मेच्योरिटी यानी परिपक्वता जो आदमी जितना ज्यादा मेच्योर होता जाएगा उतनी ज्यादा चीजें सीखता जाएगा और जितना कम मेच्योरिटी होगी उतना ही कम सीख पाएगा तो मेच्योरिटी लर्निंग को यानी अधिगम को आपका प्रभावित करती है अगला है कल्चरल कंटेंट यानी सांस्कृतिक संदर्भ अब देखिए हम आप लोग किसी ना किसी हमारे कल्चर से आते हैं ठीक है हर कोई अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है अगर किसी के कल्चर के अकॉर्डिंग उसको सही नॉलेज दी है सही बातें बताइए अच्छा कल्चर है उसका तो उसकी सीखने की स्पीड बढ़ जाएगी और वरना नहीं है तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी तो जो आपके बच्चे से संबंधित जो आपके फैक्टर अधिगम को, को प्रभावित करने, कर, करने संबंधित आपके फैक्टर आप तो सम्मन्द, थे जो इसको प्रभावित करते हैं ठीक है थीके? आप लोग देख भी सकते हो इसमें जी भाई थोड़ा गुस्से में लग रहे हैं ठीक तो ये पहला दिन था इसका जब स्कूल में गया था ये तो हो गया आपको बच्चे से संबंधित जो आपके फैक्टर थे प्रभावित करने वाले कारक थे अब टीचर से संबंधित बात करते हैं बेसिकली अधिगम को लर्निंग को प्रभावित करने वाले चार बड़े महत्वपूर्ण फैक्टर होते हैं इन चार में से मैंने तीन लिए क्योंकि जो तीसरा फैक्टर है कंटेंट वाला वो आज तक मुझे देखने को नहीं मिला टीचिंग एग्जाम में बट इन तीनों से जरूर आपका क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ठीक है तो स्टूडेंट से संबंधित फैक्टर आप लोग समझ गए अब बात करते हैं टीचर से रिलेटेड फैक्टर की कि अधिगम को जो प्रभावित करते हैं तो टीचर से रिलेटेड कौन से फैक्टर है जो अधिगम को यानी सीखने को प्रभावित करते हैं देखिए पहला तो फैक्टर है सब्जेक्ट नॉलेज यानी विषय का ज्ञान अगर एक टीचर को खुद के सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है तो बच्चों को क्या पढ़ाएगा या सही से नहीं पढ़ा पाएगा तो बच्चे का लर्निंग कैसा होगा प्रभावित होगा ना बिल्कुल प्रभावित होगा तो एक टीचर को अपने सब्जेक्ट की पूरी नॉलेज होनी चाहिए तभी वो बच्चों को अच्छे तरीके से कोई चीज सिखा पाएगा ठीक है उसके अलावा इंडिविजुअल जरूरी है देखे किसी का एक लेवल ज्यादा है किसी का कम है कोई चिंतन कुछ दूसरे तरीके से करता है कुछ और कर, करता है कोई छोटा है कोई बड़ा है कोई मोटा है कोई काला है कोई गोरा है ठीक है तो हर किसी के अंदर आपको कितनी डिफरेंसिस देखने को मिलते हैं जितना आप लोग वीडियो देख रहे हो बट इसको ध्यान रखना है ऐसे आपको क्लासरूम में भी बच्चे देखने को मिलेंगे बट इसको क्या काम करना है आपको एक साथ सभी बच्चों को एक साथ शिक्षा देनी है ये नहीं इंडिविजुअल डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग मान लीजिए कोई बच्चा दिव्यांग है उसको अलग स्कूल में भेज दो या उसके लिए कुछ और ऐसी चीज बना दो नहीं सभी बच्चों को एक साथ आपको शिक्षा देनी है तो इंडिविजुअल डिफरेंसिस का ज्ञान एक टीचर को होना जरूरी है अगर उसको एक ज्ञान जरूरी नहीं है ना तो समझ लो वो लर्निंग को प्रभावित करेगा बिल्कुल ठीक है तो आप लोग समझिए अगला है चाइल्ड सेंटर पर फोकस होकर एक टीचर को पढ़ाना चाहिए कभी भी ना तो टेक्स्ट बुक सेंटर्ड होने चाहिए ना करिकुलम सेंटर्ड होने चाहिए ना ही टीचर ओनली क्या होना चाहिए आपका चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं सिर्फ वही चीज आपको कराता हूं जो आपसे जुड़ी होती है टीचर सेंटर सॉरी चाइल्ड सेंटर में आपको पढ़ाता हूं इधर उधर की बात आपने कभी मेरे मुंह से वीडियो में नहीं सुनी होगी ठीक है तो हमेशा बच्चों को पढ़ाई चाइल्ड सेंटर पढ़ाइए फोकस में रखकर ठीक उसके अलावा एक्टिव एंड इंटरेस्टेड एक टीचर को कैसा होना चाहिए एक्टिव यानी सक्रिय होना चाहिए अगर मान लो मैं सक्रिय ना हो यहाँ पर मैं आराम से मजे में पढ़ा रहा हूं ठीक है और सुस्त तरीके से जैसे पुराने टाइम में टीचर होते थे उस पर चेयर पर आकर बैठ गए आराम से सो गए या बच्चों मेरे हाथ पैर दबा दो अगर टीचर एक्टिव नहीं है क्या बच्चों को इजली सिखा पाएगा नहीं सिखाएगा सिखा पाएगा तो चाहे टीचर हो या चाहे स्टूडेंट हो ध्यान रखना चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो दोनों का ही एक्टिव और दोनों का ही इंटरेस्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर कोई चीज सीख रहे हैं या कोई चीज सिखा रहे हैं अगर आप लोग भी एक्टिव नहीं होगे ना तो आप लोग चीजों को नहीं सीख पाओगे तो टीचर और स्टूडेंट को कैसा होना चाहिए दोनों को एक्टिव होना चाहिए और दोनों को सीखने के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए कि हाँ यार हमें सीखना है और टीचर को हमें सिखाना है ठीक उसके अलावा गुड टीचिंग मेथड्स एक टीचर को अच्छे टीचिंग टीचिंग मेथड्स की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अब मान लीजिए छोटे बच्चों को आपको चीज पढ़ा रहे हो और पढ़ाने के दौरान बच्चों को कोई चीज समझ में नहीं आगी तो आप लोग क्या काम करोगे दो काम है एक टीचर तो होगा उसको धमका देगा उसको मार पिटाकर बैठा देगा जो कि आपको काम नहीं करना दूसरा तरीका है वो अपने टीचिंग मेथड्स में चेंज करेगा बदलाव करेगा कि बच्चों को किस दूसरे तरीके से मैं मैं आपको आपको समझा सकता हूं हूं देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। ये बात लगभग साल पहले की है तब मेरा उसमें हुआ था सुपर टेट में यूपी गवर्नमेंट में सिलेक्शन हुआ था तो उस टाइम पर चार साल पहले मेरी एक ट्रेनिंग लगी थी तो देखो ध्यान से सुनना बड़ा महत्वपूर्ण आपका आप लोगों की बहुत ट्रेनिंग लगेगी ऐसी तो उस ट्रेनिंग के अंदर टीएलएम से संबंधित वो ट्रेनिंग थी और उसमें बहुत तरीके थे टीएलएम के उसमें एक बच्चों को सिखाने का पता क्या तरीका था मान लीजिए आपको किसी बच्चों को अल्फाबेट सिखानी है या फिर किसी बच्चों को आपको काका का सिखाने तो एक कागज पे लिख दो हमें तो बने बनाए मिले थे तो वो वैसे वहां से से सेंटर एक कागज पर लिख दो और कागज पर लिखने के बाद उनको जमीन पर गिरा दो कि ए का डाल दिया फिर बी का लिखकर डाल दिया सी का लिखकर डाल दिया उसके बाद एक रेल चलाई जाती थी सभी बच्चों की एक रेल बनाई और रेल चल जब बनाई जाती थी सभी बच्चों का तो सभी बच्चे इंटरेस्ट लेते थे और रेल जब चलाते थे कि रेल चली रेल चली इस तरीके से चलाते थे और कहां पर रुकी जैसे कहते थे कहां पर रुकी तो मैं बोलता था एफ पर रुकी तो जहां पर भी एफ होता था सारे बच्चे टूट जाते थे तो बच्चों को कितनी नॉलेज होगी थी एक तो गेम गेम में वो सीख गए खेल खेल में सीख रहे और दूसरी बात उस चीज को भूलेंगे भी नहीं जैसी एफ दिखा सारे टूट जाते थे उसके ऊपर तो देखिए इस तरीके के टीएलएम का आपको यूज करना चाहिए अपनी क्लासरूम के अंदर खेल खेल में बच्चों को पढ़ा दीजिए आप लोग तो आपको गुड टीचिंग मेथड्स आपको पता होनी चाहिए अच्छी शिक्षण विधियों की नॉलेज एक टीचर को पता होनी चाहिए ठीक है तो ये बिल्कुल प्रभावित करेगा इससे बच्चा जल्दी सीखेगा और अगर ऐसी यूज नहीं करेगा तो समझ लो बच्चा लेट सीखेगा अगला है पेडागोजिकल अप्रोचेज ये आपके सीटेट में बहुत पूछा जाता है ये वाला भाई आपका पेडागोजिकल अप्रोचेज का आप लोग यहां पर जितनी भी चीज पढ़ रहे हो सीटेट के अंदर आप लोग यहाँ पर पेडागोजी पढ़ते हो लगभग मान के चलिए आधे नंबर की यानी सेवेंटी तक की आप लोग पेडागोजी पढ़ते हो उस पेडागोजी को पढ़ाने का बेसिकली मतलब ये होता है जो चीज आप यहाँ पर पढ़ रहे हो कि बच्चों को पीटना नहीं है बच्चों को कंट्रोल में नहीं रखना बच्चे के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाना है लर्निंग बाई डूइंग का ज्यादा मेथड यूज करना है या खेल खेल में बच्चों को

तीसरा महत्वपूर्ण फैक्टर आपका एनवायरमेंट से रिलेटेड यानी कि आपके वातावरण से रिलेटेड अब एनवायरमेंट से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर है जो आपके एक बच्चे के टीचिंग पर पूरा महत्वपूर्ण रोल डालते हैं ठीक है थीके? अगर अच्छा फैक्टर मिलेगा बढ़ा देंगे कम मिलेगा तो कम कर देंगे ठीक अब देखिए इसमें पहला है स्कूल का एनवायरमेंट अब देख बच्चे स्कूल में जाके चीजें सीखते तो अगर स्कूल का एनवायरमेंट अच्छा होगा तो आपका लर्निंग कैसी हो जाएगी वो बढ़ जाएगी और स्कूल का एनवायरमेंट बेकार होगा वही पुराने वाले सरकारी स्कूल जैसा तो बच्चा चीजें सीख पाएगा कभी दीवार को फांद कर कूद रहा है कभी दीवार पर खड़ा है ठीक है या टाई वाई खोलकर गेट के बाहर खड़ा है ठीक तो बच्चों को अगर ऐसा स्कूल का माहौल मिल गया तो बच्चा चीजें सही से नहीं सीख पाएगा लेकिन अगर उसको एक अच्छा माहौल मिला यानी उसको स्कूल के अंदर क्या मिला एक अच्छा एनवायरमेंट मिला उसको स्कूल में अच्छे टीचर मिले उसको स्कूल में एक प्लेग्राउंड मिला सी टेट में आपका प्लेग्राउंड भी पूछा गया था एक अच्छा प्लेग्राउंड मिला जहां पर बच्चा सीख सके स्कूल में बच्चों को लाइब्रेरी वगैरह मिली तो अगर इस तरीके की सुविधाएं एक स्कूल में बच्चों को मिल रही है तो आप लोग बताइए वो चीजों को जल्दी सीखेगा नहीं सीखेगा बिल्कुल सीखेगा जल्दी तरीके से ठीक है तो स्कूल का एनवायरमेंट कैसा होना चाहिए इस तरीके से बच्चों के अकॉर्डिंग होना चाहिए दूसरी बात है क्लासरूम का एनवायरमेंट इसके ऊपर यार नजर डाल लेना ये सी के एग्जाम में पता नहीं एग्जामिनर भाई साहब ने क्या काम करा इन दो शब्दों को कई कई बार पूछ लिया ठीक स्कूल का एनवायरमेंट जो होना चाहिए स्कूल के अंदर वो सहयोगात्मक यानी कोलैबोरेटिव और सकारात्मक यानी कि कोऑपरेशन होना चाहिए स्कूल के अंदर कैसा रिलेशन होना चाहिए कि बच्चे आपस में एक दूसरे से सहयोग के माध्यम से पढ़े ग्रुप में पढ़े और टीचर भी बच्चों को क्या काम करे सपोर्ट करे अच्छे तरीके से क्लासरूम के अंदर भी और क्लासरूम के बाहर भी तो इसलिए ऐसी क्लासरूम चाहिए जाओ जहां पर सहयोगात्मक और सहकारात्मक आपको दोनों ही देखने को मिले और वो क्लासरूम आपकी डेमोक्रेटिक यानी कि आपकी लोकतांत्रिक भी होनी जरूरी है ये भी बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है ठीक है तो ऐसी अगर क्लासरूम का एनवायरमेंट देखने को मिलेगा बच्चों को तो बच्चा चीजों को क्या सीख पाएगा जल्दी तरीके से लर्न कर पाएगा यानी कि सीख पाएगा ठीक तो क्लासरूम का हो गया तीसरा बच्चा आपका फैमिली का एनवायरमेंट जो कि सबसे ज्यादा जरूरी है स्कूल से क्लास में से पहले सबसे मेन चीज आती है फैमिली अगर बच्चों को फैमिली का एनवायरमेंट सही तरीके से नहीं मिल रहा है तो सही तरीके से नहीं सीख पाएगा उसकी फैमिली में कोई को गाली ग्लोज देता है कोई तंग करता है परेशान करता है मान लीजिए आपकी फैमिली में आपको खूब परेशान कर रहे हैं कि अभी तक पढ़ता रहा है पढ़ रहा है अभी पढ़ रही है ठीक है अभी तक तेरी नौकरी नहीं लगी लग देख दूसरे की लग गई वो वहां पर जॉब कर रही है तेरा कुछ नहीं हो सकता ये अगर इस तरीके से फैमिली के अंदर आपको प्रेशराइज किया जा रहा है इस तरीके से टोंड ताने मारे जाते हैं तो उसका लर्निंग पर बिल्कुल इफेक्ट पड़ता है ठीक है उसी तरीके से छोटे बच्चे की पर तो बहुत ज्यादा पड़ता है तो फैमिली का एनवायरमेंट अगर अच्छा रहेगा तो बच्चा चीजें जल्दी सीख पाएगा तो ये सभी क्या है ये आपके एनवायरमेंट से संबंधित आपके फैक्टर थे जो सीखने को प्रभावित करते हैं

पहला पॉइंट है कि स्कूल में अधिगम में परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों यानी जो स्किल्स होती है और जो ज्ञान होता है उसके अर्जन पर अधिक बल देना चाहिए लर्निंग के द्वारा अब भाई आप लोग स्कूल के अंदर सीख रहे हो तो स्कूल के अंदर सीखने से आपकी क्या बढ़ेगी आपकी स्किल्स बढ़ेगी कौशल क्वेश्चन बढ़ेगा आपका ज्ञान बढ़ेगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी ना तो इन पर ज्यादा बल देना चाहिए स्कूल में सहयोग के माध्यम से जितना बच्चा सीख सके चाहे अपने पीएर ग्रुप में सीखे टीचर से सीखे प्रिंसिपल तो खैर हाल ही इतना करती नहीं है अगला देखते हैं सार्थक अधिगम अगर मैं लर्निंग की बात करूं सबसे महत्वपूर्ण शब्द देखने को मिलता है मीनिंगफुल लर्निंग यानी कि सार्थक अधिगम कि जो पढ़ रहे हैं उसका कुछ मीनिंग भी या नहीं है या एम ही पढ़ते जा रहे हैं अब आप लोगों को क्या काम करो यहां पर आप लोग मीनिंगफुल अधिगम कर रहे हो यानी आप सार्थक अधिगम करो क्यों क्योंकि ये पढ़ा हुआ आपके एग्जाम में आएगा और आपका एग्जाम पास होगा तो एक ऐसा लर्निंग हुई आपकी आपकी मीनिंगफुल लर्निंग हुई अब मीनिंगफुल लर्निंग में एक समस्या पर अलग अलग तरीकों से विचार करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि अगर मान लीजिए आपके सामने एक समस्या आ गई कि सी का एग्जाम को आपको कैसे पास करना है तो इसके अलग अलग तरीकों पर आपको विचार करना चाहिए कि यार एक काम करो एक तो सचिन सर की सारी क्लास देख लो एक उनके नोट्स को अच्छे तरीके से पढ़ जाओ और उसके अलावा घर पे इस तरीके से प्रैक्टिस करो तो आपका जरूर निकलेगा ठीक है तो ऐसी चीजों पर उसको इनकरेज करना चाहिए अगला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि अधिगम अधिक सार्थक और प्रभावशाली जब होता है यानी मीनिंगफुल तब होता है जब वह मुख्यतः सेल्फ डायरेक्टेड हो यानी स्वनिर्देशित हो अब आप लोगों का अधिगम क्यों प्रभावशाली बन रहा है आप लोग भी तो अभी सीख रहे हो तो आपका जो अधिगम है वो यहां पर क्या ऐसा बन रहा है आपका सार्थक अधिगम बन रहा है यानी मीनिंगफुल अधिगम बन रहा है आप लोग जो सीख रहे हो वो आपके काम आएगा आगे उसको सीखने का सबसे मेन रीजन है आपने अपने आप को सेल्फ डायरेक्ट क्या हुआ है अपने आप को क्या काम किया है स्वनिर्देशित करो कि अगर यार मैंने इसको सही से नहीं पढ़ाया सही से इसको नहीं समझा तो मेरे एग्जाम में आएगा और अगर मुझको नहीं आएगा तो दिक्कत हो जाएगी मुझे जॉब नहीं मिल पाएगी तो आप लोग खुद से अपने आप को डायट कर रहे हो ठीक है उसके अलावा प्रभावी अधिगम के लिए जो टीचर है उसकी सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होना जरूरी है टीचर के साथ साथ एक स्टूडेंट और टीचर दोनों का ही एक्टिव रूप से भागीदारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है एक सार्थक यानी कि एक प्रभावशाली अधिगम के लिए ठीक है यह बात आपके यहां तक क्लियर हुई आगे देखते हैं अगले कुछ और पॉइंट के ऊपर नजर डालते हैं मैंने कहा ना एक एक पॉइंट मैंने निकाला हुआ है बड़ी मेहनत करके मेरा पूरा दिन चला गया आज इसमें ठीक अगला पॉइंट आपको लिखा हुआ है कि सार्थक अध्ययन लर्निंग में विश्लेषण समालोचनात्मक सोच इसके ऊपर लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट ठीक इसके ऊपर लगा लो वेरी वेरी इंपोर्टेंट यानी कि जो आपका क्रिटिकल थिंकिंग होती है तथा समस्या समाधान की प्रक्रिया शामिल होती है अब देखिए ये क्या होती है क्रिटिकल थिंकिंग क्या होती है समालोचनात्मक चिंतन क्या होती है ठीक है जिसको आलोचनात्मक चिंतन कहते हैं इसका मतलब होता है जब बच्चा खुद अपने विवेक का यूज करके किसी चीज के बारे में सही गलत का फैसला ले सके ठीक है ये होता है आपका क्रिटिकल थिंकिंग होता है जैसे मैंने आपसे आप कह दिया कि भाई अगर आपको सी टेट में अच्छे नंबर से पास होना है तो एक तो मेरी क्लास लो ठीक है और क्लास के अलावा जो आपको नोट्स दे रखे उनको पढ़ो और उसके अलावा जितना हो सके घर पर प्रैक्टिस करो मैंने आपको बोल दिया इसके बाहर आपका सी का एग्जाम नहीं आएगा अब मान लीजिए आप में से कुछ बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग का यूज करना है क्या एक बार चेक तो करो क्या पता सही बोल रहे या गलत बोल रहे हैं तो आपने क्या काम करा प्रीवियस ईयर के, के पेपर आप लोग करा गए। जैसे आपने तो उसके बाद आपने खुद का डिसीजन लिया कि यार यार सचिन सर जो कह रहे थे वो सही है तो आपने एकदम मेरी बात को नहीं माना आप लोगों ने खुद क्या काम करा अपने दिमाग का विवे, यूज करा विवेक का यूज करा और फिर एक डिसीजन लिया तो ये होती है आपकी क्रिटिकल थिंकिंग होती है एनईपी 2020 ने जब मैंने आपको एनईपी 2020 पढ़ाया था नहीं पढ़ा तो आप लोग जाकर देख लेना एनईपी जो, जो, यानी समालोचनात्मक चिंतन पे कि बच्चा ज्यादा इसका यूज करे जितना इसका यूज करेगा उतना बच्चा चीजें जल्दी से सीख पाएगा ठीक है एनईपी दो की बात आ गई तो एनईपी दो ने लर्निंग को क्या माना है बताओ कमेंट बॉक्स में आपको बता चुका हूं लर्निंग को क्या माना है एक तो माना है आपका प्रयोगात्मक एक तो मान है आपका प्रयोगात्मक और दूसरा मान है आपका अनुभवात्मक ठीक है यानी बच्चा चीजें खुद एक्सपीरियंस करके सीखे अनुभव के माध्यम से जा, बच्चा जैसा सीखे और इसमें बताया भी गया है एनसीएफ दो हजार जब मैंने आपको बताया था कि बच्चा जितना क्लासरूम में उसको जो चीज पढ़ाई जा रही है उसको बाहर से रिलेट करके उसको जोड़कर पढ़ाना चाहिए ताकि बच्चे के अनुभव में ज्यादा वृद्धि हो सके इसलिए एनईपी 2020 को अनुवात्मक और प्रयोगात्मक बताया गया है कि जितना बच्चा खुद प्रयोग करेगा जितना बच्चा लर्निंग बाय डूइंग के माध्यम से सीखेगा खुद करके सीखेगा उतना जल्दी इफेक्टिव तरीके से और कोई तरीका नहीं हो सकता तो एनईपी दो ने लर्निंग के बारे में यह शब्द कहे ठीक है एनईपी दो की बात आ गई तो मैंने जिक्र कर दिया इसकी वीडियो मैंने डाली हुई है यूट्यूब पर नहीं देखी तो जाकर देख लेना एनईपी दो बाइस सचिन सर या सचिन एकेडमी या सचिन चौधरी कुछ भी आप लोग लिख दो एनईपी 2020 की वीडियो आपको मिल जाएगी और बड़े सेलेक्टेड पॉइंट तरीके से मैंने आपको डाली हुई है ठीक है एक छोटा सा पॉइंट और लिखा हुआ है Uh, दो पॉइंट लिखे हुए कि प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं के क्या है आपका लर्निंग बाय डूइंग सबसे बेस्ट तरीका है जब बच्चा खुद करके सीखता है जो बात मैंने अभी आपको एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग बताई है ठीक है अगला पॉइंट है अधिगम के लिए स्कूल के सामाजिक अवसरों में भागीदारी बहुत जरूरी है देखिये सामाजिक अवसर कैसे मिलते हैं सीखने के लिए सामाजिक अवसर मिलते हैं जब आपस में कॉम्पिटिशन होता है सामाजिक अवसर जब छब्बीस जनवरी पंद्रह अगस्त होते थे जब प्रोग्राम होते थे ठीक है तो हम कुछ बनते थे पंद्रह अगस्त पर की और गाने बजते थे डांस वगैरह करते थे या फिर दूसरे स्कूल से होता था। तो जो भी बच्चों को अगर ऐसे अधिगम के लिए विद्यालय के सामाजिक अवसरों में भागीदारी भी क्या होती है बड़ी महत्वपूर्ण होती है तो ये मैंने आपको यहां तक बता दिया अब यहां तक अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया तो आप लोग पूछ सकते तो पूछे क्या आपका क्वेश्चन है ठीक है फिर उसके बाद शुरू करता हूं नई नोट्स में सारा कुछ है ये सीडीपी के अंदर आप जाके देख लियो तो सीडीपी के अंदर आपको देखने को मिलेगा अलग से पूरा चैप्टर है लर्निंग के नाम से ठीक उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा अब देखिए बात करते हैं लर्निंग कर्स की यानी कि अधिगम के वक्र की अब लर्निंग कर्व क्या होता है अधिगम के वक्र क्या होते हैं जब अधिगम यानी लर्निंग की मात्रा को या उसके प्रभाव को यानी उसकी क्षमता आदि को किसी भी माध्यम से चाहे वो ग्राफ हो आरक को उससे प्रदर्शित यानी उसको शो किया जाए कि भाई इसमें इतनी लर्निंग हो रही है इतनी मात्रा में हो रही है तो वही क्या होता है आपका अधिगम वक्र आपका होता है ठीक है अब इसमें बेसिकली आपको चार तरीके के लर्निंग कर्व यानी कि अधिगम वक्र पढ़ने हैं ये सबसे ज्यादा आपके टेट के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है ठीक है लेकिन लर्निंग में आपका दिया हुआ है तो आपको जानना जरूरी है देखिए अब अधिगम वक्र जो चार प्रकार के होते हैं उसमें पहला आपका स्ट्रेट लाइन करो स्ट्रेट लाइन करो कैसा आप लोग देख सकते हो इसको सरल रेखा में जो आपका रहता है इसमें क्या होता है लर्निंग में इसमें सीखने की स्पीड जो होती है एक समान होती है मान लीजिए आज एक बच्चे ने एक घंटा पढ़कर एक लेसन कंप्लीट करा अगले दिन दो घंटे पढ़ा तो दो घंटे कंप्लीट करे ठीक है अगले दिन फिर एक घंटे का पढ़ा एक घंटा कंप्लीट करा अगले दिन चार घंटे पढ़े तो चार चैप्टर कंप्लीट करे जितने दिन वो पढ़ रहा है उतने घंटे सेम चलते आ रहे तो यहां पर क्या हो रहे सीखने की जो स्पीड है कैसी है एक समान है ठीक है कैसा सीख रहा है एक स्पीड से बच्चा सीखता जा रहा है तो ये होता है आपका स्ट्रेट लाइन आपका कर्व होता है दूसरा होता है आपका एलिवेशन कर्व एलिवेशन कर्व में क्या होता है इसमें सीखने की स्पीड शुरू में तो तेज होती है शुरू में तो बच्चा बहुत स्पीड से सीखता है लेकिन एक उच्चतम बिंदु आने पर ये जैसे यहां पर उच्चतम बिंदु आ गया तो उसकी क्या होती है सीखने की स्पीड धीमी होती जाती है एक पूरे पॉइंट पर पहुंचने के बाद तो उच्चतम बिंदु के बाद उसने उसके सीखने की स्पीड कम हो जाएगी ऐसा आप लोगों ने अपने स्कूल यार में बहुत देखे होंगे कुछ स्कूल के अंदर हमारे भी दोस्त यार थे पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज थे ठीक है बहुत ही ज्यादा तेज थे, थे हम तो कुछ भी नहीं थे उनके आगे कभी कभी उनकी कॉपी में से भी देखते थे तो उनकी सीखने की स्पीड शुरू में तो बहुत तेज थी लेकिन पता नहीं क्या हुआ एक पॉइंट के आने के बाद वो नीचे लुढ़क गए ठीक है और आज की डेट में लुढ़के हुए और हम उनसे आगे चल रहे हैं ठीक है तो हमारी हमारा कर्व उस टाइम पर ऐसे नहीं था ये उन चुने हुए बच्चों का है जिनकी सीखने की शुरू में ज्यादा थी और बाद में उनकी कम हो गई हमारा उल्टा केस है हम शुरू में सीखने का करो हमारा कैसा था इस तरीके से गिरा हुआ नीचे को ठीक तो शुरू में हमारी क्या थी सीखने की स्पीड धीमी थी ये देखो ऐसे इस तरीके से धीमी थी लेकिन क्या हुआ उसके बाद धीरे धीरे सीखने की स्पीड तेज होना शुरू हो गई और वह उच्चतम हिंदू की ओर बढ़ती चली गई ठीक है तो हमने यानी मैंने इस तरीके से शुरुआत करी शुरू में कम था और धीरे धीरे बढ़ते हुए यहां तक पहुंच गए आप लोग बताओ आपका कौन सा कर्व है दोनों में से ज्यादातर का यही होगा ठीक है चलिए अब बात करते हैं फोर्थ यानी लास्ट कर्व की जो है आपका मिश्रित कर्व जिसको कि एस वक्र के नाम से भी जाना जाता है ठीक है इस कर्व में क्या होता है इसमें शुरू में सीखने की स्पीड तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है और लास्ट में भी सीखने की स्पीड तेज हो सकती है धीमी हो सकती है तो एक तरीके से आपका मिश्रित वक्र है जिसमें दोनों चीज आपकी तेज तेज भी हो सकती है और धीमी भी हो सकती है ठीक है तो आपका कैसा है मिश्रित वक्र जिसको एस वक्र के नाम से भी आपका जाना जाता है तो आपके वक्र हो गए लर्निंग कर्स हो गए अब इसी में आपका एक देखने को मिलता है अधिगम पठार इसके ऊपर और नजर डालिए ये भी से इसी से जुड़ा हुआ है अधिगम पठार होता है जिसमें सीखने की स्पीड क्या होती है रुक जाती है अगर किसी बच्चे की सीखने की स्पीड रुक जाए ना तो उसमें तेजी हो रही है ना तो बढ़ रही है और ना ही वो कम हो रहा है तो आपका क्या होता है वो अधिगम पठार होता है ठीक है ये भी आप लोग समझ गए अब बात करते हैं हम अधिगम के स्थानांतरण की ट्रांसफर ऑफ लर्निंग की आपके सीटेट के एग्जाम में ये भी आपके कई बार देखने को मिलता है तो चलिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के ऊपर नजर डालते हैं ठीक ये आपका लास्ट है उसके बाद आपको बताऊंगा आपको क्या चीज करनी है ठीक चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के बारे में यह सब आप लोग गूगल के उस पर जाकर ले लिया करो ठीक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी अधिगम स्थानांतरण यानी जो आपने लर्निंग करी है जो आपने चीज सीखी है उसका ट्रांसफर भी तो होता है ना मान लीजिए आप लोग कुछ यहाँ पर सीख रहे आपने यहाँ पर हो आपने यहां पर सीडपी सीखी और सीडपी सीखने बाद मान लीजिए केवीएस का एग्जाम हुआ सुपर टेट का एग्जाम हुआ तो वहां पर भी आपके बाल विकास में काम आ गई तो क्या हो गया जो चीज आपने यहां पर लर्न करिए है, सीखी है उसका ट्रांसफर हो गया दूसरी जगह पर ठीक है तो इसी ट्रांसफर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कहीं तो पॉजिटिव ट्रांसफर हो जाता है सीखने का कहीं नेगेटिव हो जाता है और कहीं कुछ भी नहीं होता तो ये तीन ट्रांसफर के ऊपर हम लोगों को पढ़ना है तो सीखने का आप लोग समझिए ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कि जब कोई सीखा हुआ कोई स्किल्स हो यानी कौशल हो वो दूसरे काम के सीखने को प्रभावित करता है इफेक्ट करता है तो उसे सीखने का ट्रांसफर यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं अब ये ट्रांसफर ऑफ लर्निंग जो होती है इसके तीन टाइप्स हमको पढ़ने बेसिकली इसको और भी टाइप्स है लेकिन सबसे ज्यादा आपके यही तीन पूछे जाते हैं और सी में तो यही आते आपके ठीक है इसमें पहला आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग यानी कि धनात्मक स्थानांतरण यानी जो चीज आपने यहां पर सीखी है जैसे मैंने आपको सेम एग्जांपल बताया कि यहां पे आपने बाल विकास सीखा और मान लीजिए सुपर सुपरटेट में जाकर वहां पर भी आपका काम हो गया तो सीखना आपका कैसे होगा पॉजिटिव होगा तो जो आपने चीज यहां पर सीखी है जब उसको आपने ट्रांसफर करा दूसरी जगह पर तो वहां पर किस तरीके से वो पॉजिटिव वे में हुआ नेगेटिव में तो नहीं हुआ यहां का पढ़ा हुआ आपके काम आ गया तो, तो, तो होता है आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ आपका लर्निंग होता है मान लीजिए किसी हिंदी भाषा का ज्ञान है किसी को और वो संस्कृत भाषा के सीखने में क्या काम करता है हेल्प करता है तो पॉजिटिव ट्रांसफर में हमेशा आपको ध्यान रखनी है कि पहले का पढ़ा हुआ पहले का सीखा हुआ दूसरे में क्या काम करता है हेल्प करता है ठीक है जैसे मान लीजिए किसी ने गाड़ी चलाने सीख ली और उसके बाद उसको ट्रक दे दिया तो वो भी हेल्प करेगा नुकसान नहीं करेगा अगर मान लीजिए नुकसान कर जाए नुकसान कर जाए तो हो जाएगा आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लेंडिंग यहां पर क्या काम करेगा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा यहां पर जो चीज पहले सीखी हुई है वो दूसरी सीखने वाले में प्रॉब्लम क्रिएट करेगी यहाँ आप मान लीजिए सीडीपी डी सीख कर चले गए और एसएससी के एग्जाम की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आपको क्या काम करेगी प्रॉब्लम करेगी यहाँ का सीखा हुआ वहां पर जरूर प्रॉब्लम करेगा आपको एसएससी में क्योंकि वहां पर सीडीपी आती नहीं है ठीक है तो ये होता है आपका नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होती है जब एक काम का अनुभव या योग्यता दूसरे काम में क्या काम करे घातक हो यानी प्रॉब्लम करे ठीक है तो इसे नेगेटिव कहते हैं जैसा आपने देखा होगा जो यूरोपियन कंट्री होती है जैसे अमेरिका वगैरह होगी वहां पर जो गाड़ी चलाते हैं ना वो लेफ्ट लेफ्ट साइड पर बैठ कर चलाते हैं मतलब उनके उल्टी साइड पर रहती है शायद आप लोगों को पता होगी ये वाली बात तो ज्यादातर उनका लेफ्ट साइड में बैठकर चलाते हैं बट जो हम इंडियन लोग रहते हैं हम राइट right साइड पर बैठकर गाड़ी चलाते हैं ठीक है ठीके? उनका लेफ्ट साइड पर चलाते हैं और हमारी गाड़ी का स्टेयरिंग राइट right साइड पर होता है अब मान लीजिए वहां पर उन्होंने लेफ्ट साइड सीख हुई है अब कोई अंग्रेज हमारे देश के अंदर आ गया और यहाँ की गाड़ी उसको मिल गई तो वहां राइट साइड पर है तो बिल्कुल उसको चलाने में दिक्कत हो जाएगी अगर हम दूसरे देश में जाएंगे तो हमको चलाने में दिक्कत हो जाएगी तो एक का सीखा हुआ दूसरे में क्या काम कर रहा है प्रॉब्लम

एस एस टी का क्लास भी आपकी भाई चलेगी डेली चलेगी वरना आप लोगों ने नोट्स ले रखे हैं तो मुझे लगता नहीं आपको और कुछ करने की जरूरत पड़ेगी ठीक है वरना आपकी सभी क्लास में आपकी लगा रहा हूं एक बार नोटिफिकेशन आ जाए तो आपकी एस एस टी इंग्लिश संस्कृत और साइंस की तेज कर दूंगा ठीक है मैं कहा पर था जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पर था कि एक का सीखा हुआ दूसरे में ना तो हेल्प करे और ना ही आपकी बाधा डाले तो फ्रेंड्स देखिए ये आपका अधिगम का जो चैप्टर था कंप्लीट नहीं हुआ ध्यान से सुनना मेरी बात को कंप्लीट नहीं हुआ अभी मैंने सिर्फ आपको जो लर्निंग होती है यानी जो अधिगम होता है अधिगम क्या होता है अधिगम का प्रोसेस क्या होता है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक का अधिगम के वक्र और अधिगम का जो आपके ट्रांसफर होता है उसके बारे में पढ़ा है बट अभी इसमें एक चीज और रह गई रह गई है वो है अधिगम के आपके सिद्धांत जो आपके लर्निंग के जो आपके प्रिंसिपल है उनके बारे में बात करेंगे अब आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए जितने भी वी लोग वीडियो देख रहे हैं

बहुत बड़ा चैप्टर था फ्रेंड्स मैंने आपको इतना शोट में और इतना इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ बताया तो आपका जल्दी खत्म हो गया और जो नेक्स्ट आएगा जो आपका आएगा पार्ट टू तो पार्ट टू में अधिगम के जितने सिद्धांत रहेंगे वो मैं आपको करा दूंगा तो आपका अधिगम का चैप्टर मैं पूरा इसको कंप्लीट करा दूंगा आप लोग मेरी बात को समझ रहे हो एग्जाम ओरिएंटेड मैं आपको पढ़ाता हूं हमेशा अगर मैं सीटेट का पढ़ा रहा हूं तो अधिगम के सिद्धांत में वो चीजें पढ़ाऊंगा जो आपके सीटेट के एग्जाम में आती है अगर यही टेट का एग्जाम होता तो मैं आपको कुछ और पढ़ाता हुआ मिलता है इसकी जगह ठीक है तो एग्जाम ओरिएंटेड आप लोग पढ़िए जितना हो सके आपका एग्जाम बहुत अच्छे नंबर से इसी तरीके से पास होगा ठीक अब अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ लीजिए और वीडियो को जितना हो सके आप लोग लाइक एंड शेयर कर दिया करो यहाँ अपने दोस्त यारों के पास पूछे क्या क्वेश्चन आपका और फिर उसके बाद मैं आपकी वीडियो को स्टॉप कर दूंगा एक दो क्वेश्चन लेता हूं जल्दी से सर आपका यूट्यूब पर दो तीन चैनल है गया नहीं भाई मेरा तो यही चैनल है एक इसके अलावा मेरा सचिन चौधरी ऑफिशियल के नाम से चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लेना कभी कभी अपने से जुड़ी चीजें डाल देता हूं तो दो ही चैनल है और पूछे क्या क्वेश्चन आपका सर एग्जाम होगा ना दिसंबर में अभी तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है सीबीएसई कहीं एग्जाम नहीं लेने का ही अरे भाई ऐसा कुछ नहीं होने का हो एग्जाम आपका दिसंबर में ही होगा कंफर्म होगा ठीक है तो नोटिफिकेशन भी आपका कुछ समय बाद जल्दी मिलने वाला है इस बार बहुत प्रेशर है सीबीएससी के ऊपर ठीक और पूछे क्या क्वेश्चन आपका जी एसएसटी भी कराएंगे बेफिक्र रहिए और क्वेश्चन पूछे जल्दी आएगा नोटिफिकेशन भी जी क्लास होती है आपकी डेली आठ बजे एट पीएम पर डेली आपको क्लास होती है ठीक है डेली में आठ बजे आपकी क्लास कराता कर हूं और आपके सभी सब्जेक्ट की क्लास चली रहेगी सी टेट के लिए बेफिक्र रहना आप लोग बिल्कुल सी टेट के लिए आपको और कुछ करने नहीं दूंगा मैं आप लोगों के लिए काफी रहूंगा सी टेट के एग्जाम में चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आप लोग बेफिक्र रहिए देखिए क्लासेज में चला रहा हूँ उसके अलावा नोट्स मैंने आपको अपने दे रखे हैं जिसके बाद आपको किसी भी जेड बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप लोग टेंशन क्यों ले रहे हो ठीक है और पूछे क्या क्वेश्चन है जी पीपीटी शेयर क्यों नहीं कर देते ये एक्चुअली मैं पीपीटी को मैं थोड़ा यहां पर एक्सप्लेन करके बताता हूं ठीक है और सारा मेटेरियल आपका वैसे नोट्स में दिया रहता है ठीक है तो थोड़ा एक्सप्लेन जब मैं करता हूं तो चीजों को थोड़ा एलेबोरेट करके करता हूं आपका नोट्स कैसे मिलेगा आप लोग सीधा गूगल के अंदर जाना गूगल में जाके लिखना सचिन अकेडमी डॉट कॉम उसके बाद मेरी वेबसाइट खुल जाएगी और उसके बाद जो भी आपका पेपर हो तो वहां से जाकर आप लोग नोट्स अपने ले लेना ये सभी चीजें जो यहाँ पर लिखी हुई है ये सभी आपको नोट्स के अंदर मिल जाएगी ना तो आपको कोई बुक लेनी है ना कोई आपको एनसीआर लेनी ना ही कोई आपको प्रैक्टिसना है लेना है क्यू लेना है किसी भी तरीके का ये सब चीजें ए टू जेड मेटेरियल इनका अंदर आपको मिल जाएगा ठीक है और पूछे क्या क्वेश्चन आपका जी फैमिली एंड एनवायरमेंट के बारे में जो तीन में बताया ठीक है पापा क्लास करते तब उनको समझ में आता ना ठीक है चलो भाई सारे ईयर का क्वेश्चन भी करवाइए ऑनलाइन वाला करवाई रहो आप लोग बेफिक्र रहिए और पूछिए चलिए ज्यादातर कमेंट्स आपके सेम ही आ रहे हैं ठीक है चलिए अब मैं वीडियो को स्टॉप कर देता हूँ क्लास मैंने बताया ना क्लास आपकी डेली आठ बजे चलती है तो चलिए फ्रेंड्स कल मिलता हूं आठ बजे किसी दूसरे टॉपिक के साथ या किसी दूसरी क्लास के साथ आई होप आपको वीडियो पसंद होगी चलिए कल मिलता हूँ थैंक यू